आप देख रहे हैं NMT न्यूज और आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं NMT न्यूज। NMT न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश तिलहन और दलहन के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि दोनों का उत्पादन बढ़ाकर सूबे को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। जिस तरह से आबादी बढ़ रही है, उसमें खाद तेलों की जरूरत के लिए अभी केवल 30-35% तिलहन का उत्पादन हो रहा है, जबकि दलहन का उत्पादन 40-45% ही है। इसे मांग के अनुरूप उत्पादन तक लाने के लिए ठोस कार्य योजना बनानी होगी। इसमें लघु व सीमांत किसानों की भूमिका अहम होगी। बुधवार को मंत्री परिषद के सामने कृषि उत्पादन सेक्टर के 7 विभागों की 100-दिन कार्य योजना के प्रस्तुतिकरण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी विभाग आम आदमी को सुविधाएं देने के साथ ही रोजगार के अवसर भी तलाश लें। जो योजना शुरू करे उसे समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। यह भी निर्देश दिया गया कि 100 दिन के बाद जनता के सामने विभागों को अपने कार्यों का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। उन्होंने कहा कि जनहित की योजनाओं के लिए धनराशि की कमी नहीं है, लेकिन वित्तीय संतुलन का ध्यान जरूर रखे और खर्चों में कटौती करे। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों की आय में गुणात्मक वृद्धि करने के लिए संकल्पित है और 5 वर्ष में प्रदेश में ऐसा परिवेश तैयार किया जाए जहां शानदार कृषि व्यवस्था हो और खाद्यान्न व पोषण की सुरक्षा हो। कृषि विज्ञान केंद्र को सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के रूप में विकसित करने के प्रयास किए जाए। केंद्रों पर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्याप्त है। हर सेंटर में एक प्रोसेसिंग यूनिट जरूर हो ताकि इसका किसानों को लाभ मिले। सीएम योगी ने कहा कि आधुनिक कृषि तकनीक व पारंपरिक कृषि विज्ञान का अपेक्षित उपयोग किया जाए। कृषि शिक्षा और कृषि अनुसंधान को कृष्णोमुखी और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाढ़ बचाव से संबंधित कार्य 15 जून से पहले पूरा करा लिया जाए। पुराने तटबंधों की मरम्मत भी समय से हो। नहरों के टेल तक पानी पहुंचाने के लिए ठोस प्रयास किए जाए। उन्होंने कहा कि फसल बीमा योजना के सर्वेक्षण को और सरल किया जाए, किसानों को इस संबंध में जागरूक करें। पीएम किसान योजना में नाम मिसमैच होने की समस्या आ रही है। अभियान चलाकर डेटा सुधार किया जाए और आपात्रों से वसूली भी की जाए। 21 मई तक किसानों की EKYC पूरी कर ली जाए। योगी ने कहा कि निराश्रित पशुओं के संरक्षण के साथ केंद्र के स्वावलंबी बनाने के लिए अगले 100 दिनों में गौ अभयारण्य की स्थापना की जाए। इसी अवधि में 50,000 निराश्रित पशुओं को पंचायती राज व नगर विकास से समन्वय करके संरक्षण दिला जाए। 6 माह के भीतर 1,00,000 निराश्रित पशुओं के लिए व्यवस्थित आश्रय स्थल तैयार कराया जाए। उन्होंने कहा कि पशु स्वास्थ्य कल्याण, स्थिर पशुपालन को बढ़ावा देने हमारा संकल्प है। अन्य पशु जन्य उत्पाद को प्राप्त करने के लिए उत्पादन व उत्पादनकर्ता में वृद्धि की जानी चाहिए। इंडिया फर्स्ट डिजिटल टीवी मीडिया नवी मुंबई टाइम्स न्यूज। ताज़ा तरीन देश विदेश की खबरों को देखने के लिए YouTube पर सर्च करें NMT न्यूज। NMT न्यूज को सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकन और पाएं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, नवी मुंबई, ठाणे की ताज़ा तरीन खबरें सिर्फ नवी मुंबई टाइम्स न्यूज पर।